नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज हम वास्तु के विषय में बात करेंगे। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है, हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं है। पर यदि आपकी दुकान है, कोई व्यवसाय है, कोई शोरूम है और उसमें काम नहीं चल रहा है, तो दुकान का शोरूम का वास्तु भी खराब होता है, जिसकी वजह से काम नहीं चलता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति यही कहता है कि अरे मेरी तो मार्केट में शॉप है, सबकी दुकानें चल रही हैं पर मेरी नहीं चल रही है। तो ऐसा वास्तु दोष के कारण होता है। तो हमें दुकान लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें दुकान लेते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि वह दुकान स्क्वायर होनी चाहिए या रेक्टेंगल होनी चाहिए। अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल शॉप लेते हैं तो उसमें धन की वृद्धि होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है। और दूसरा हमें ध्यान रखना चाहिए, कई दुकानें होती हैं जो सिंहमुखी होती हैं। सिंहमुखी यानी कि आगे से बड़ी और पीछे से छोटी। तो सिंहमुखी दुकानें हमेशा अच्छी होती है, खुशहाल होती है, वहाँ धन की वृद्धि होती है। और गौमुखी दुकानें होती हैं जिनमें आगे से मुख छोटा होता है, पीछे से दुकान बड़ी होती है। तो हमें गौमुखी दुकान कभी नहीं लेनी चाहिए। व्यवसाय की दृष्टि से हमेशा ऐसी दुकानों में हानि होती है। विशेषकर ध्यान रखिए कि हमें गौमुखी दुकानें नहीं लेनी चाहिए। दूसरा, जब हम दुकान में व्यवसाय करते हैं उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि दुकान के बाहर जो ढलान है वे किस तरफ है। अगर वो ढलान दुकान में अंदर की साइड आ रही है तो वे आपको धन की हानि देगी। तो हमेशा दुकान में ध्यान रखें कि ढलान बाहर की तरफ होनी चाहिए। अगर ढलान अंदर की तरफ आपको लगता है कि आपकी दुकान के बाहर जो ढलान है वो अंदर की तरफ आ रही है, तो उसे मिस्त्री से ठीक करा के ढलान को बाहर की साइड करा लें। तो ऐसे करने से धन की वृद्धि होती है। आपको हमेशा दुकान के अंदर नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में मंदिर और पानी का स्रोत रखना चाहिए। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हल्का रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा करने से भी धन और लक्ष्मी जी आती हैं और धन की वृद्धि होती है। दुकान का भारी सामान साउथ और साउथ वेस्ट में रखें। जो सामान आपका तैयार है, आपका जो भी व्यवसाय है, आपको लगता है ये सामान मेरा जल्दी बिकना चाहिए, वो सामान आप नॉर्थ वेस्ट में रखें। नॉर्थ वेस्ट में रखने से वह सामान बिक जाएगा आपका। मालिक जो है, दुकान का मालिक जो है, वो हमेशा वेस्ट में बैठे, वेस्ट में बैठकर नॉर्थ या ईस्ट को फेस करें, उनका मुख उस साइड हो। ऐसा करने से धन की वर्षा होती है। दुकान, व्यवसाय या शोरूम, आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि वहाँ पर मालिक के अलावा कोई और नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वे शिवजी की गद्दी होती है। गद्दी पे सिर्फ मालिक को ही बैठना चाहिए, आप किसी और कर्मचारी को बैठने की अनुमति ना दें। जो आपकी तिजोरी है व्यवसाय में, वो हमेशा साउथ या ईस्ट में होनी चाहिए, उसका मुख भी नॉर्थ और ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए। तिजोरी में आप ध्यान रखें कि श्री लक्ष्मी यंत्र होना चाहिए, 21 दाने चावल के रखें उसके साथ में, और थोड़ी सी लक्ष्मी जी, चाहे आप 125 रुपये रखें। तिजोरी कभी खाली नहीं रखनी चाहिए, उस चीज़ का आप विशेषकर ध्यान रखें। दुकान में कभी भी चौखट नहीं होनी चाहिए। जैसे घरों में हम चौखट बनाते हैं ना, वो चौखट दुकान में कभी नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का आप ध्यान रखें। दुकान में जब भी कोई मांगने वाला आता है, ज़्यादातर मांगने वाले आते हैं, हम ऐसे ही उनको कुछ भी दे देते हैं, पर आप ध्यान रखें जब भी कोई मांगने वाला आए तो आपका जो मुख है वो साउथ और वेस्ट की तरफ नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने जिनको भी देना है, आप नॉर्थ और ईस्ट की तरफ फेस करके आप दान दें। ऐसा करने से धन की हानि नहीं होगी। रोज़ सुबह उठ के जब आप दुकान जाते हैं और उसके बाद सफाई करके दुकान की, हल्दी वाले जल से सारी दुकान में और दुकान के बाहर छींटे देने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी दुकान में कोई बुरी नज़र है या आपके आसपास का माहौल अच्छा नहीं है, तो गणेश जी की फ़ोटो दुकान के दोनों साइड, यानी कि बाहर की साइड भी और अंदर की साइड भी, गणेश जी की कमर से कमर मिला के गणेश जी की फ़ोटो लगाएं। और यदि आपकी साउथ फेसिंग दुकान है तो सिर्फ गणेश जी की फ़ोटो बाहर की साइड लगाएं, अंदर की साइड नहीं लगाएं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो व्यवसाय है उसमें आपसे कोई सरकारी व्यक्ति आके हफ्ता मांगता है या अननेसेसरी आपसे पैसा लेके जाता है, तो पूरब दिशा में सूर्य यंत्र ज़रूर लगाएं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी दुकान पर किसी की बुरी नज़र है, तो आप बगला मुखी यंत्र नॉर्थ में लगाकर उसकी
पूजा करें। ऐसा करेंगे तो आपकी दुकान की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वे सब वहाँ से निकल जाएगी। अगर आपकी दुकान के सामने कोई सीढ़ी, कोई खंबा बिजली का या फ़ोन का खंबा है या कोई पेड़ है, अगर है तो आप दुकान का जो मेन गेट है, मत्था है ऊपर, वहाँ पे बड़ा सा एक स्क्वायर शीशा लगा दीजिए। ऐसा करने से उसका दोष ख़त्म हो जाएगा। और अपने दुकान में कपूर, लौंग और गूगल दोनों समय देंगे आप धुनी, तो उससे भी जितनी वहाँ की नेगेटिव एनर्जी है वो सब चली जाएगी और आपको तरक्की भी रहेगी। करके देखिए ये उपाय। इन उपाय को करने से आपकी दुकान में धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी माँ खुश होगी। तो मित्रों, यह थी जानकारी। यदि आपकी दुकान में कोई रुकावट है, कोई तरक्की के रास्ते रुक रहे हैं या व्यापार के रास्ते रुके हुए हैं, तो करके इन उपायों को करके देखिए। माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होगी और आपकी दुकान में धन की वर्षा होगी। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।